हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज हम कुर्ती की कटिंग बताएंगे। ये हमारा 5 मीटर कपड़ा है और इसमें हम कुर्ती कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे फिर पटियाली सलवार की कटिंग। फिलहाल हम पहले कुर्ती की कटिंग डाल रहे हैं। ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती का कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। और इस कुर्ती की लंबाई बताएंगे हम आपको। हमने इसको 2 तह में तो कर रखा, अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब हमने इस तरह से फोल्ड करके इसको, अब हमारी कुर्ती की लंबाई है 36 इंच। 36 इंच हम कंप्लीट रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 36 इंच हमारी कंप्लीट और 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा। इधर से भी हम इस तरह से ही लिख लेंगे और हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा, हम तन्ने रख रहे हैं, यहाँ दामन रख रहे हैं 9 इंच। तीरा है हमारा 6 इंच और मुड्ढे हमारे 6.5 इंच। मुड्ढे हमने रखे 6.5 इंच। कुछ इस तरह से हमने लाइन लगा दी। अब हमने चेस्ट रखे 9 इंच। 7 इंच पे हमने कमर का ढाल दिया और कमर हमारी 7 इंच। 7 का यानी कि खुल के 14 इंच और हम इस टाइम रखेंगे 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम लगाएंगे दामन चाक खोलने के निशान 14 इंच पे। और ये हमारा रहा 9.5 इंच। कुछ इस तरह से हम स्केल के द्वारा लंबी लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से ढाल दे दिया। अब हम मुड्ढे के निशान लगा रहे हैं, मुड्ढे की गोलाई। अब हम कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे हर डिज़ाइन की। अब हम यहाँ से ही फ्रंट के कुछ गहरे करके मुड्ढे कटिंग कर लेंगे। हमने कुछ इस तरह से कर लिया। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 18 इंच। यहाँ से भी हम 18 लगा लेंगे।
अब हमने इसको कट इन कर लिया। अभी केवल हमारा आस्तीन आस्तीन का बचा, हमने इसलिए बाकी कपड़ा हटा लिया। अब मोहरी रख रहे हैं हम 7 इंच, कुछ इस तरह से कट इन कर देंगे। हमारे आस्तीन कम कट इन हुई और अब हम आस्तीन कट इन हो गई हमारी कुछ इस तरह से। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।